आज दादी ने फिर मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। कृपा, तुम्हारी वजह से मैं वो आखिरी रिश्ता भी खो दिया जो मेरा अपना था। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी दादी के लिए पराया हो गया हूं। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी कृपा। I'll make you pay for this. बेटा कितना प्यारा लग रहा है, कहीं माँ की नजर ना लग जाए। मॉम, एक इंसान को दुनिया में किसी की भी नजर लग सकती है, लेकिन एक बेटे को उसकी माँ की नजर कभी नहीं लग सकती। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे की शादी है, लेकिन मन में एक कसक सी है। तेरी बारात तो इस घर से निकल रही है, लेकिन तुम दुल्हन को लेकर वापिस घर नहीं आओगे। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम जल्द ही घर लौट आओ। पंडित जी, जरा बंदी शुरू कीजिए। खोल बेटा, कृपा। कृपा, कृपा कहाँ है? तैयार हो रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए ना, बारात आती होगी, दरवाजे पे देखिए तैयारियां हुई है कि नहीं। ठीक है भाई, तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए, बस शुरू हो जाती हो। कृपा से कह देना जल्दी से तैयार हो जाए। आप जाइए। क्या हुआ कृपा? आपने कृपा को देखा है? नहीं, क्या हुआ? अपने कमरे में नहीं है। क्या? उसके कपड़े जेवर सब वहीं रखे हैं, लेकिन कृपा का कुछ पता नहीं। वो उधर बारात आ चुकी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुमने ठीक से देखा तो ना? मैंने अच्छी तरह से देखा है, वो वहाँ नहीं है। ठहरो, मैं देखती हूँ।
लो, यही तो खड़ी है। तुमने तो बेकार मुझे डरा दिया। कितनी प्यारी लग रही है। कहाँ थी तुम बेटा? छोड़ो इन बातों को, बारात आ गई है, स्वागत करना है या नहीं? चलो आओ। हम दोनों की शादी एक साल पहले ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो सकता था। कितने सपने बुने थे मैंने इसके लिए, पर आज सब तुम्हारी वजह से कमा। चले आप दोनों गठबंधन के लिए खड़े हो जाइए। आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। आप वचन लीजिए कि जीवन के हर घड़ी हर पल पर आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तदेव लग्नम। मैं वचन देता हूं। तदेवम। वचन देता हूं कि अपनी जिंदगी के हर मिनट हर सेकंड में कृपा की बेइज्जती करूंगा। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगा जिसमें वो शर्मसार हो। मैं वचन देती हूं
कि मैं अंगद की जिंदगी को सिर्फ अपमान से भर दूंगी। वचन दीजिए, आप अपने पति के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगी और हर हाल में उनको साथ देंगी। मैं वचन देती हूँ कि पृथ्वी के लिए अपना हर कर्तव्य मैं निभाऊंगी और अंगद के लिए वो सब करूंगी जो मैंने सोचा है। वचन लीजिए कि एक दूसरे के लिए प्रेम, सम्मान और विश्वास की अटूट भावना रखते हुए आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं हर कीमत पर अपना लक्ष्य, अपनी खुशी लेकर रहूंगा। कृपा को मुझसे सिर्फ नफरत मिलेगी, हर कदम पर उसका अपमान होगा। मैं उसके हर विश्वास को तोड़ कर रख दूंगा। मिस्टर अंगद, यू आर अंडर अरेस्ट। देखिए इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं अंगद नहीं हूं। Is that right? मिस्टर अंगद उर्फ जैद, तुम्हारी असलियत के पूरे सबूत हमारे पास मौजूद है। पुलिस स्टेशन चलिए आप हमारे साथ। देखिए आप मुझे इस तरह, जो कुछ भी सफाई देनी है पुलिस स्टेशन चल कर देना। पर ऑफिसर, आप ऐसे बीच शादी में से इन्हें नहीं ले जा सकते। हम जैद को ले जाने नहीं देंगे। हमारे पास इनका अरेस्ट वारंट, सो प्लीज कोऑपरेट। रिलैक्स मॉम। कुछ नहीं होगा। बैड लक अंकल, अब तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी और हमारा सपना भी टूट जाएगा। अब तुम वहीं जाओगे, तुम्हारी असली जगह। बाय। नमस्ते।